क्या लगता है आपको, आजकल स्ट्रेस क्यों बढ़ गया है ज़िंदगी में? वो इसलिए बढ़ गया है क्योंकि हमारा दिमाग हमारे आप इससे बाहर होता चला जा रहा है, और इसलिए बड़ा ज़रूरी है हम इस दिमाग को थोड़ा सा संतुलन मिलाएं, थोड़ा सा कंट्रोल करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन आर माइंड, एंड दिस इज़ वॉट वी विल टॉक अबाउट टुडे। 3 ways टू ट्रेन आर माइंड। नंबर 1, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग रियली हेल्प्स टू ट्रेन आर माइंड। मतलब कहीं ना कहीं जिंदगी जो हाथ से फिसलती चली जा रही है उसको कहीं ना कहीं आप काबू में ले आते हो, अपने कंट्रोल में ले आते हो। दैट्स एग्जैक्टली वट स्टार्ट्स टू हैपन। आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आता है क्योंकि नींद को आप त्यागते हो, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में जाते हो। माइंड हमेशा कहीं ना कहीं कम्फर्ट की तरफ जाता है, कहीं ना कहीं प्लेजर की तरफ जाता है। तो प्लेजर को हम साइड में करते हैं, पेन को थोड़ा सा एम्ब्रेस करते हैं, कंफर्ट को जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू ट्रेनिंग योर माइंड, इज वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नंबर 2, टेक अ कोल्ड शावर। दैट बेसिकली मींस कि थोड़ा सा कोशिश करें, अगर कर सकते हैं तो ठंडे पानी से नहाएं। हमें आदत पड़ गई है बहुत ज़्यादा कंफर्ट की, और शायद इसी वजह से ना हम बार बार छोटा सा कोई लालच, छोटी सी टेम्पटेशन, छोटा सा कंफर्ट हो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ों को ज़िंदगी में छोड़ते चले जाते हैं क्योंकि हम बड़ा कुछ देखना ही नहीं चाहते। हम बस छोटी छोटी चीज़ों, छोटे छोटे लालचों में बहकते चले जाते हैं। तो छोटी चीज़ों को छोड़ना है, छोटे लालच को छोड़ना है, थोड़ा सा ज़िंदगी में बड़ा सोचेंगे ताकि ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर पाए। इसकी शुरुआत होती है टेकिंग अ कोल्ड शावर इन द मॉर्निंग। मतलब हॉट शावर का मतलब ही क्या है, गर्म पानी से नहाना, थोड़ा रिलैक्स करना, थोड़ा कंफर्ट जोन में जाना। ठंडा पानी ऐसे जगा देता है हम सभी को, तो अगर जागना है ज़िंदगी के अंदर तो टेकिंग अ कोल्ड शावर इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 3rd, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ट्रेन योर माइंड इज मेडिटेशन। मेडिटेशन इज नथिंग बट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फोकस एंड एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर आप जिंदगी में फोकस और कॉन्सेंट्रेशन नहीं ला पाएंगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी बात करूँ, टेलीविजन शो में शूटिंग करता हूँ, इतने सारे लोग आसपास खड़े रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप अपना काम कर रहे होते तो बहुत ज़रूरी होता है कि फोकस, लेज़र शार्प फोकस और कॉन्सेंट्रेशन होगी तो आप अच्छे से कुछ कर पाओगे, अच्छे से इमोट कर पाओगे, अच्छे से अपना कर्म, अपनी एक्टिंग कर पाओगे। लेकिन अगर फोकस से नहीं होगा, आप कॉन्स्टेंटली इधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किसने क्या बोला, इन्हीं सब चीज़ों पर ध्यान रहेगा तो हम डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे और कहीं ना कहीं अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है स्टार्ट टू मेडिटेट every day in the morning, even if you do for 20 minutes a day, but it's really going to help you. Dheere dheere it will start to increase your focus and concentration, which is going to be extremely important to become something in life, because to become something in life first you will have to train your mind, and training your mind is essential. So I hope these 3 ways will truly help you to train your mind. Kal subah se shuru kar dein, subah subah uthna, thande pani se nahana, and start meditating early in the morning. This will help. Thank you so much. We share. We grow.